ये हाय गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन पार्ट नंबर 5। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप नहीं देखें तो पहले जाके वो पार्ट देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 5 में हम लोग आज करने वाले डिवीजन का डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, इसमें भी 4 या 5 एग्जाम्पल आपको बताऊँगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, 7 1608 1608 है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेम ट्रिक वही अप्लाई करना जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपने किया था। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पे 7 का टेबल आपको पढ़ना है। 14 से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अगेन ज़्यादा हो गया तो लेस नंबर लेना, 2 जा लेंगे। तो 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए आप, सबट्रैक का साइन लगाना हमेशा इसमें। ठीक है, डिवीजन में तो 6 में से 4 गया बचेगा 2, 1 में से 1 गया बचेगा 0। ठीक है, अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करने के लिए देखिए यहाँ पे डिवीजर ज़्यादा है, डिविडेंड कम है, तो नेक्स्ट नंबर कॉपी करने का हमेशा। अब नेक्स्ट नंबर कॉपी करने के पहले मुझे पॉइंट दे दिया, तो सबसे पहले आपको जहाँ पे पॉइंट दिया ना वहाँ पे आपको कोशेंट में पॉइंट रखना है। ठीक है, कोशेंट में रखना है, ठीक है, डिविडेंड में नहीं रखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर कॉपी आप कर सकते हो, जैसे ही पॉइंट आपको दिखा सीधा आप कोशेंट में पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कॉपी कर, नेक्स्ट नंबर क्या 8 है, 8 को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब 7 का टेबल देखो, 7 के टेबल में 28 आता है, 7 4 जा 28 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, 0 0 बच रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 4 1 0 4.60। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, सेम ट्रिक अप्लाई करना है। देखिए पहले 1 डिजिट लेंगे, ठीक है, तो 0 जा कभी कर सकते हो जैसे पार्ट 1 में बताया था। अब यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, 1 में जाएगा नहीं तो 2 डिजिट लेंगे, 10। तो 4 का टेबल पढ़िए, 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अगेन ज़्यादा हो गया तो 4 2 जा 8। ठीक है, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2। ठीक है, अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करना, नेक्स्ट नंबर क्या 4, देखिए डिविडेंड 2 है, डिविजर 4 है, डिविजर अभी ज़्यादा रहेगा, नेक्स्ट नंबर हमेशा कॉपी करने का, नेक्स्ट नंबर क्या 4, 4 को आपको कॉपी करना है। ठीक है, चलिए अभी 4 का टेबल पढ़िए, 24 आना चाहिए, 24 से ज़्यादा आपको नहीं लेना, 24 से कम लेना है या तो 24 आना चाहिए। तो 4 6 आप देख सकते हो 24 रहता, 4 6 जा 24, सबट्रैक कर दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर कॉपी करने के लिए कौन सा नंबर कॉपी करेंगे, 6 कॉपी करो, पर उसके पहले 6 के पहले क्या दिया है, डेसिमल पॉइंट दिया है। ठीक है, 4 और 6 के बीच में क्या दिया है, डेसिमल पॉइंट दिया। जब भी डेसिमल पॉइंट आता है तो नेक्स्ट नंबर कॉपी नहीं करने का, पहले डेसिमल पॉइंट आपको कोशेंट में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट बढ़ा दिया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कॉपी करना, नेक्स्ट नंबर क्या 6 6 आपको यहाँ पर कॉपी करना है। ठीक है, अब 4 का टेबल पढ़िए, 6 से ज़्यादा नीचे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन ज़्यादा हो गया तो लेस नंबर लेना, 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4, अगेन माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया बचेगा 2। ठीक है, अभी देखिए डिविडेंड कम है, डिविजर ज़्यादा है, अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे, नेक्स्ट नंबर कौन सा 0, तो आप 0 को यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे। अब 20 आ गया, अब 4 का टेबल पढ़िए, 20 आना चाहिए, 4 5 जा 20 20, अभी माइनस कर दीजिए, आप सबट्रैक कर दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2 रहा। चलिए एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस बार हम लोग। 5 डिवीजर है, डिविडेंड क्या है, 83.240। ठीक है, चलिए इसको कैसे डेसिमल पॉइंट को डिवाइड करेंगे, सेम रूल आपको अप्लाई करना, पहले 1 डिजिट लेंगे। देखिए डिविडेंड 8 है, डिवीजर 5 है, तो डिवाइड होगा, 5 का टेबल पढ़िए, 8 आना चाहिए तो 8 से कम आना चाहिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ज़्यादा हो गया तो 1 लेंगे, 5 1 जा 5। अब 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अभी देखिए डिविडेंड कम है, डिवीजर ज़्यादा है, जब भी डिवीजर ज़्यादा रहे नेक्स्ट नंबर कॉपी करना है, नेक्स्ट नंबर कौन सा 3 3 को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, अब 5 का टेबल पढ़ना है, 33 से ज़्यादा आपको नहीं जाना, 5 6 जा 30, 5 7 जा लेगो 35, ज़्यादा हो गया तो 5 6 जा कितना लोगे, 30। ठीक है, अब इसको सबट्रैक करना है, 3 में से 0 गया 3,
थ्री में से थ्री गया जीरो, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिविडेंड कम है, डिवीजन ज़्यादा है, तो नेक्स्ट नंबर कॉपी करने के पहले आपको डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट जैसे ही आता है उसके पहले आपको कोशेंट में डेसिमल पॉइंट बढ़ाना है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट कॉपी करना है एज इट इज़, ठीक है। जब भी नेक्स्ट नंबर कॉपी करते हो उसके पहले क्या आ जाता है, डेसिमल आ जाता है, डेसिमल पॉइंट, तो आपको कोशेंट में डेसिमल पॉइंट बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है। डेसिमल के आगे क्या है, टू है, तो टू लिखेंगे। अब फाइव का टेबल पढ़िए, 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 32 आना चाहिए या तो 32 से ज़्यादा नहीं, कम लेंगे चलेगा। तो 5 6 30 5 7 35 ज़्यादा हो गया, तो 5 6 30, ठीक है। सब ट्रैक कर दीजिए, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या, 4 को कॉपी कर लीजिए, 24 हो गया। अब 5 का टेबल पढ़िए, 24 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 5 4 20 5 5 25 हो गया, अगेन ज़्यादा हो गया 25, कम लेना हमेशा। तब 5 4 20, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0, अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे, नेक्स्ट नंबर कौन सा, 4 हो गया, लास्ट में 0 बचा, तो 0 को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। कब कॉपी करना है, जब डिवीजर बड़ा रहेगा डिविडेंड कम रहेगा, तो हमेशा नेक्स्ट नंबर कॉपी करने का। अब 5 का टेबल पढ़िए, ए 40 आना चाहिए, तो आप 5 8 जा, टेबल आपको आता रहेगा, 5 8 जा कितना होगा 40, माइनस सब्ट्रैक कर दीजिए, 0 में से गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो रिमाइंडर अगेन 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 16.648। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर फोर्थ, ठीक है। चलिए फोर्थ एग्जांपल देख लेते, थोड़ा सा इसमें भी बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, तो आपको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिवीजर 8 लिया हूँ, 343.6210, ठीक है। सेम ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए पहले वन डिजिट लेंगे, वन डिजिट में जाएगा नहीं, तो टू डिजिट लेंगे 34। 8 का टेबल पढ़िए, 32 से ज़्यादा, 34 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 8 4 जा 32, सब्ट्रैक कर दीजिए, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 बचेगा। अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करना है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 को आपको कॉपी करना है, ठीक है। कब कॉपी करना है, जब डिविडेंड कम रहेगा डिवीजर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 था, तो डिवीजर ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर कॉपी का 23, 8 का टेबल पढ़िए, 23 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, अगेन ज़्यादा हो गया, तो 8 2 जा 16, ठीक है। माइनस 23 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर कॉपी करना है, क्योंकि डिवीजर 8 है, डिविडेंड 7 है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर कॉपी करने का, नेक्स्ट नंबर कॉपी के पहले पॉइंट दिया है, जब भी पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में आप पॉइंट बढ़ा दीजिए, ठीक है। पॉइंट जैसे ही दिया वैसे ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप कॉपी करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 6 को आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो 8 का टेबल पढ़िए, 76 से ज़्यादा नहीं चाहिए जाना चाहिए, 8 9 जा 72, 8 10 जा करेंगे 80, अगेन ज़्यादा हो गया, 76 से ज़्यादा हो गया ना 80, तो लेस नंबर लेंगे, 8 9 जा 72। अब माइनस कर दीजिए, 76 में से 72 गया, 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, 7 में से 7 गया तो बचेगा 0, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर कॉपी करना है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 2, क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, डिविडेंड 4 है, डिवीजर 8 है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर कॉपी करना है, नेक्स्ट नंबर क्या है 2। अब 8 का टेबल पढ़िए, 42 से ज़्यादा नहीं जाना, तो 8 5 जा देख सकते हो, 8 5 जा क्या होता है 40 होता है, कितना होता है 40। अब माइनस कर दीजिए, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 4 गया 0, अगेन 2 बचा है, डिवीजर 8 है, डिविडेंड 2 है, डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर कॉपी, नेक्स्ट नंबर क्या है 1, 1 को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है 1। अभी 8 का टेबल पढ़िए, 21 से ज़्यादा नहीं थे, तो 8 2 जा 16, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1 में से 6 नहीं जाएगा, तो बोरो करेंगे, तो 1 लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, और 1 में से 1 गया तो बचेगा 0, ठीक है। अभी यहाँ पे भी डिविडेंड 5 है, डिवीजर 8 है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर कॉपी कर, नेक्स्ट नंबर कौन सा 5, आपको 5 को यहाँ पे 0, नेक्स्ट नंबर क्या 0, 0 को आपको कॉपी करना, तो 50 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़िए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप जब देख सकते हो 8 6 जा क्या होता है 48 होता है, 48 होता है, माइनस कर दीजिए, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो बोरो करेंगे, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, ठीक है, तो 0 2। अभी देखिए रिमाइंडर 2 आ गया, अब इसके आगे भी नंबर कॉपी नहीं कर सकते, नंबर है नहीं, तो चाहिए तो इसके आगे आप कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट एक बार बढ़ा दिया हमने, पॉइंट बढ़ा दिया ना, तो आप 0 कॉपी कर सकते हो। चलिए एक स्टेप और कर लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा तो आप 0 बढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। अब 8 का टेबल पढ़िए, 23 से ज़्यादा नीचे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, माइनस करिए, तो 20,
20 में से 16 गया तो बचेगा 4। अगेन आप पॉइंट बढ़ा दिए ना तो 0 कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे आगे कर सकते हो आप। चलिए मैं एक और बताता हूँ, 0 पॉइंट बढ़ा है तो आप 0 कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपने पॉइंट बढ़ा दिया ना आप यहाँ पे 0 कॉपी कर सकते हो, जब भी ज़रूरत पड़ेगा 0 कॉपी कर सकते हो। अब 8 का टेबल पढ़िए, 40 आना है, ठीक है। तो 8 फाइव ज़ा 40, 40 आ रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, तो 0 40 में से 40 गया तो 0 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो ये रहा पार्ट नंबर 5, ठीक है, डिवीज़न, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।